अगर आपसे पूछा जाए कि 4 जून के बाद किस शेयर ने अपने निवेशकों से वफादारी दिखाई, तो आप क्या जवाब देंगे? आप किसी भी शेयर का नाम लें, लेकिन उससे पहले एक बार हेरिटेज फूड्स को जरूर याद कर लें। जी हाँ, ये वही शेयर है जो एक बार फिर चर्चा में लौट आया है, और वजह ये है कि हेरिटेज फूड्स के मालिक ने एक बार फिर चुनाव में जीत का स्वाद चख लिया, और ये मालिक है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP को मिली भारी जीत ने हेरिटेज फूड्स के निवेशकों की किस्मत बदल दी है। सिर्फ 12 ट्रेडिंग सेशन में हेरिटेज फूड्स के शेयरों में 100% यानी कि डबल से ज्यादा उछाल आ चुका है। आज 10 जून को भी हेरिटेज फूड्स के शेयर 10% की तेजी के साथ अपने अपर सर्किट को छू लिया था, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके बाद ये शेयर कुछ हद तक गिरकर बंद हुआ, और अंत में ये 5.26% के साथ 696 रुपए पे बंद होने में कामयाब रहा। दिलचस्प है कि 23 मई को हेरिटेज फूड्स के शेयर 354.50 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहे थे। 29 मई से अब तक 8 ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर 95% तक चढ़ चुके हैं, और इस तेजी में एक बार फिर एक पोता लकी साबित हुआ है। कुछ दिन पहले ही आपने खबर देखी होगी कि नारायण मूर्ति ने अपने पोते को 240 करोड़ रुपए के शेयर गिफ्ट के तौर पर दिए। नायडू का 9 साल का पोता देवांश के पास हेरिटेज फूड्स के करीब 0.06% यानी कि करीब 56,075 शेयर है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले 6 कारोबारी सेशन में जब कंपनी के शेयर 70% बढ़ चुके हैं, तब देवांश के शेयरों की वैल्यू 4.1 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि 3 जून को 9 साल के इस बच्चे के शेयरों की वैल्यू सिर्फ 2.4 करोड़ रुपए थी। दरअसल हेरिटेज फूड्स कंपनी का मालिकाना हक चंद्रबाबू नायडू के परिवार के पास है। ऐसे में जब एग्जिट पोल के रुझानों में चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी का अनुमान आया, तो इसके शेयरों में उछाल भी देखी गई। इस तेजी को और सपोर्ट तब मिला जब केंद्र के NDA सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने किंग मेकर बनकर सपोर्ट किया। चंद्रबाबू नायडू अब 12 जून को सुबह 9:30 बजे आंध्र प्रदेश के CM पद की शपथ लेंगे, तब उम्मीद है कि इस शेयरों में और तेजी आ सकती है। असेंबली इलेक्शन में आंध्र प्रदेश की कुल 175 सीटों में से 135 सीट इस पार्टी को मिली है, जबकि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 21 और BJP को 8 सीटें मिली हैं। वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के पास 16 सांसद हैं। यहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाया है। नायडू के मुख्यमंत्री बनने की खबर से आंध्र प्रदेश से जुड़ी ज्यादातर कंपनियों के शेयर बढ़ चुके हैं। हेरिटेज फूड्स के शेयर अब रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम मार्च क्वार्टर तक के नंबर को देखें तो चंद्रबाबू नायडू की पत्नी यानी कि भुवनेश्वरी नारा के पास हेरिटेज फूड्स के 24.37% और बेटे नारा लोकेश के पास 10.82% का स्टेक था। 23 मई को शेयर बाजार बंद होने तक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी कुल वैल्यू के हिसाब से 1,100 करोड़ रुपए थी। हालांकि उसके बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी आई, जिसकी वजह से उनकी कुल वैल्यू अब बढ़कर 2300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो भी हेरिटेज फूड्स हीरो साबित हो सकता है। 2024 में अब तक हेरिटेज फूड्स करीब 140% रिटर्न दे चुका है। ये 2012 के बाद से इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छा साल है। 2012 में इसने एक साल में 230% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया था। हेरिटेज फूड्स के शेयर नवंबर 1996 में लिस्ट हुए थे। इस कंपनी के शेयरों की चाल को अगर हम चंद्रबाबू नायडू की किस्मत के साथ जोड़ के देखें तो ज्यादा दिलचस्प रहेगी। चंद्रबाबू नायडू जब 1995 से लेकर 2004 और 2014 से लेकर के 2019 के बीच में आंध्र प्रदेश के CM रहे, तो शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। सिर्फ 1999 से लेकर के 2004 के बीच ही हम देख लें तो हेरिटेज फूड्स के शेयर करीब 314% तक चढ़ चुके थे, जबकि साल 2000 में इसके शेयरों में 62% की गिरावट आई थी, लेकिन इसमें एक बार फिर तेजी लौटी और 2001 में ये 7% चढ़ा। इसके बाद 2002 में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखी गई और हेरिटेज फूड्स के शेयर 117% और 2003 में 172% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। अगर हम 2014 से लेकर के 2019 के बीच के 5 साल में देखें तो इस शेयर ने रिस्पेक्टिवली 85%, 52%, 54% और 87% की तेजी दिखाई। हालांकि 2018 में हेरिटेज फूड्स के शेयरों में 36% और 2019 में 31% की जबरदस्त गिरावट भी देखी गई। आप ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और WhatsApp चैनल से जुड़े, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।